व्हाट्सअप गाइज ओनी सर, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HCL का ऑफर लेटर कब आएगा। तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चंस मेरे चैनल पे आ रहे हैं कि HCL का मेरा ऑफर लेटर कब आएगा। इंस्टाग्राम पे भी अगर मैं क्वेश्चंस पिक करूं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि मेरे HCL का ऑफर लेटर कब आएगा। तो काफ़ी सारे सीनेरियोज लोग बता रहे थे अपने अपने कि मेरे साथ ऐसी हुई है, अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया। तो उन सारे सीनेरियोज को मैं पिक करूंगा एक एक करके, और एक एक सीनेरियो का अलग अलग एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो कुछ कॉमन जो सीनेरियोज थे वो मैं यहाँ पर पिक करूंगा। अच्छा, इसके पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा था महीने दो महीने पहले कि HCL का ऑफर लेटर में 7-8 महीने की भी देरी हो सकती है। तो कुछ लोग उस पर काफ़ी भड़के थे कि ऐसा झूठ बोल रहा है ये, ऐसा इसको ब्लैकलिस्ट कर दो, इसको कॉर्पोरेट में रहने की, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे कि वो मतलब डिजायरेबल नहीं था। तो मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया, और वही लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फिर से मैसेज कर रहे हैं कि भाई 6-7 महीने हो गए, नवंबर से सिलेक्शन हुई थी, अभी तक मेरे पास ओएल नहीं आया, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगी, ज्वाइनिंग कब होगा, ऑनबोर्डिंग कब होगा। तो मैंने वो वीडियो पहले ही बना रखा था, जनवरी फेब में ही बना रखा था वो वीडियो कि HCL का ऑफर लेटर में 7-8 महीने की भी देरी हो सकती है। तो वो चीज़ आप लेके चले, लेकिन ऐसा काफ़ी लोग नहीं माने और बोले कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो नवंबर में सिलेक्शन हुआ लेकिन अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया उन लोगों का। तो वो लोग ऐसे क्वेश्चन यार मेरे को खुद मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, मेरे यूट्यूब कमेंट्स में वो लोग सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक बार फिर से ये वीडियो लाता हूँ और ये चीज़ इसमें बताने का कोशिश करूँगा कि HCL का ऑफर लेटर आपका कब आएगा। तो पहला सिनेरियो तो ये पिक करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन मेल आपका आ गया है, और आप अगर ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं तो अभी आप ऑफर लेटर का वेट मत करिए। सिलेक्शन के तुरंत बाद आपका प्री OTP कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोग्राम एक होता है जो कि महीने दो महीने का होता है, जिसमें HCL अपने तरफ से कुछ कोर्सेज देता है। इसका एक पूरा वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जो इसके पहले वाला वीडियो है, मतलब सेकंड लास्ट वीडियो कह सकते हैं यहाँ से। तो वो वीडियो मैंने पूरा उसमें बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख लो। ये कोर्स काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है, अगर आप एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो काफ़ी कुछ सीखने को इस कोर्स में मिलता है। तो वो HCL आपको ट्रेनिंग कराता है, हालांकि वो ट्रेनिंग अनपेड होती है, आपको कोई उसके लिए पे नहीं, HCL आपको कोई पे नहीं करता, ना ही आपको उनको उनके लिए कुछ पे करना है, बिल्कुल फ्री होती है बर्थ एंड से। और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सिलेक्शन के तुरंत बाद करना है। तो अगर आप सिलेक्शन के बाद HCL ऑफर लेटर का वेट कर रहे हो तो अभी मत करो यार, अभी आपको महीने दो महीने की ट्रेनिंग होनी बाकी है। महीने दो महीने की ट्रेनिंग होगी, असाइनमेंट्स होंगे, फिर से एवेल्युएशन होगा। अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, असाइनमेंट्स अच्छे से करके भेजते हैं, तब आपको ऑफर लेटर मिलेगा। और अब यहाँ ये मत डर जाना कि यार असाइनमेंट्स नहीं होंगे तो ऑफर लेटर नहीं आएगा, असाइनमेंट बहुत ईजी होते हैं और आप आसानी से कर लेंगे, तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दो, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो ये लेते हैं कि किसी का भी सिलेक्शन ही नहीं हुआ और वो ऑफर लेटर का डायरेक्ट वेट कर रहा है कि सिलेक्शन मेल नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑफर लेटर आएगा। जैसे उसका HR इंटरव्यू हो गया, उसका इनिशियल राउंड जो कि टेस्ट राउंड होता है वो हो गया, HR TR सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब वो ऑफर लेटर का डायरेक्ट वेट कर रहे हैं। तो बाकी कंपनी में ऐसा होता होगा लेकिन HCL में ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले सिलेक्शन मेल आएगा, जो भी ऑफर होगा वो बता देंगे सिलेक्शन मेल में, और सिलेक्शन मेल के बाद आपकी फिर से वही ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी जिसको प्री OTP कहते हैं। आपको लॉगिन क्रेडेंशियल सब कुछ HCL की तरफ से आएगा, आप वो कर लेंगे। वो करने के बाद आपका जो है ऑफर लेटर आएगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर, फिर आप ऑन बोर्ड होंगे। तो अभी इतना प्रोसेस आपका बचा हुआ है। अब कुछ लोगों का क्या हुआ, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं और फिर वो डायरेक्ट ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर या ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनका OTP एकदम एंड होने पे है, उनका ऑफर लेटर नहीं आया। तो अगर OTP एंड होने पे है तो आपका एवेल्युएशन ऑलरेडी शुरू हो गया होगा और तुरंत का तुरंत आपको मिल जाएगा ऑफर लेटर, अगर आप उस काबिल होंगे, कैपेबल होंगे और होंगे यार। OTP अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली आपको ऑफर लेटर मिलना ही है। तो अगर आप इस केस में हैं तो आप मतलब खुश रहिए कि कुछ ही दिनों में आपकी ऑफर लेटर आने वाली है। अब कुछ लोगों क्या है कि ऑफर लेटर आ गया, वो ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। तो ऑनबोर्डिंग का वेट क्यों करना है, ऑफर लेटर आ गया, अब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी, ज्वाइनिंग लेटर में सारे आपके लोकेशंस वगैरह सब कुछ दिए रहेंगे। ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर अलग अलग चीज़ें हैं। ऑफर लेटर में आपकी सारी सैलरी ब्रेकडाउन वगैरह सब कुछ, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ दिया रहता है। ज्वाइनिंग लेटर में आपकी ज्वाइनिंग लोकेशंस और बाकी सारी चीज़ें बताई रहती हैं उसमें, तो वो आप ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद ही पता कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा है कि ऑफर लेटर आ गया और BGC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है। तो BGC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब चल रहा है तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। अब कोई कोई कंपनी में क्या होता है, इसके पहले वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो पूरा BGC के ऊपर है, तो वो वीडियो में आप BGC के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा है कि BGC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है और BGC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने के दौरान वो लोग डायरेक्ट वेट कर रहे हैं कि मेरी ऑनबोर्डिंग क्यों नहीं हो रही है, क्यों इसमें समय लग रहा है। तो यार उसमें काफ़ी समय लगता है, थर्ड पार्टी कोई करती है आपकी वेरिफिकेशन, और जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी वेरिफिकेशन पूरी तरह से 100% वहाँ शो करने लगा, IBIN पोर्टल जो उनका होता है HCL का, वहाँ पे अगर 100% शो करने लगा तभी आपकी ऑनबोर्डिंग हो पाएगी। अब उसमें क्या होता है, कभी कभी आपके डॉक्यूमेंट्स अगर फॉल्स निकल जाते हैं तो वैसे कैंडिडेट्स को वो लोग नहीं लेंगे। कोई भी MNC कंपनी एक फॉल्स डॉक्यूमेंट के साथ किसी कैंडिडेट को नहीं लेगी। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी है। तो ऑफर लेटर आने के बाद भी अगर आप
डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है भाई, पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करना होगा और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्लियरेंस के बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा और ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद तुरंत आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। तो इतने सारे प्रोसेस बचे हुए, आप जिस भी सिनेरियो में हैं अपने आप को वहाँ कंसिडर करें और देख लें कि आपका आगे आने वाला प्रोसेस क्या है। तो घबराइए मत, एसएल का ऑफर लेटर आपको जरूर मिलेगा लेकिन समय लगेगा, आपकी सिनेरियो में है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर मतलब कंप्लीट होने में कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सेव अ गुड डे, बाय।